दीपू ने डुबाया विंडवर्ड्स की टापू, इधर दीपू ने चलाया बल्ला तो उधर सारे विंडवर्ड्स खिलाड़ी खाने चले केला। एक एक को उठाकर धोबी की तरह पटका और दो चार गेंदों का तो अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि वो अभी जिंदा हैं या मर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कल विंडवर्ड्स आइलैंड्स और नेपाल के बीच हुए पहले मैच में दीपेंद्र सिंह एरी ने धाकड़ बल्लेबाजी कर नेपाली टीम को एक हारी हुई बाजी जिताई। 25 गेंदों पर 52 रन बनाकर विरोधी गेंदबाजों की तो बल्ले बल्ले कर दी। दीपेंद्र सिंह एरी, जो कि ओमान जैसे बड़े ग्राउंड में भी एक ओवर में 6 छक्के लगा चुके हैं, तो ये केले की झाड़ उनके लिए तो बच्चों जैसी बात है। हालांकि ये ग्राउंड बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी एरी ने जिस तरह की छक्के लगाए, ये किसी भी ग्राउंड पर बड़ी आसानी से छक्का हो जाता। और कल ये भी देखा गया कि 2 या 3 गेंदों को एरी ने इतनी जोर से मारा कि उन गेंदों की अभी रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। अगर किसी को वो गेंद मिले तो बताना, कभी केले की झाड़ में तो कभी नारियल पेड़ में, कहां कहां नहीं भेजा गेंद को। बल्ले से जैसे ही गेंद टच होता था वो छक्के के लिए जाता था। कल दीपेंद्र सिंह एरी ने न सिर्फ अपनी पावर दिखाई, बल्कि जिस तरह नेपाल को एक संकट से बचाया वो काबिले तारीफ है। वहीं बात करें हमारे विश्व कप हीरो सोमपाल कामी की, जिसे हम सुपरमैन कामी के नाम से बुलाते आ रहे हैं, उन्होंने भी एक दे दना दन पारी खेली। पर क्योंकि उन्होंने उतने छक्के नहीं लगाए थे, उसीलिए शायद उनकी पारी दीपेंद्र के आगे फीकी पड़ गई। नहीं तो अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो दीपेंद्र और सोमपाल कामी का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर था। यहीं पर विंडवर्ड्स वालों को एक नोटिस बोर्ड देना चाहेंगे कि विंडवर्ड टापू वालों, एक नाम याद रखना, दीपू, जो कि अकेले ही डुबा देगा तुम्हारी टापू। सो वीडियो के अंत में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे कि विश्व कप में भी अगर इसी तरह की एक मैच या पारी नेपाल टीम के तरफ से नजर आए तो बाद में क्या भूचाल आ सकता है, आप खुद ही देख लेना। अगर किसी एक भी टीम के विरोध दीपेंद्र ने इसी प्रकार की एक पारी खेल सके तो समझो दीपेंद्र की बल्ले बल्ले होना तय है। तो आपको क्या लगता है, क्या नेपाली टोली विंडवर्ड के खिलाफ बचे हुए और 2 मैचों को अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।